पेरेंट्स, वेलकम टू आर्किस्टिक। आज इस वीडियो के थ्रू हम बच्चे को प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर कैसे सिखाना है वो देखेंगे। उसके बाद उसका वर्किंग मॉडल हम देखेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी देखेंगे। जनरली इस टॉपिक का यूसेज जब बच्चे कॉलम वाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, कैरिंग बोरोइंग सीखते हैं, तब होता है। पहले हम देखते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स टू सी मैथ वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स। तो फिर इसमें क्या करना है, हमें दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसके लिए हम एक नंबर देख लेते हैं, 729। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, पहला है वंस। कभी भी हमें राइट साइड से जाना है, वंस यानी यहाँ पे 9 नंबर प्लस 2 सेकंड प्लेस पे है इसलिए 2, उसके आगे एक ही नंबर है इसलिए 10 आएगा, प्लस 7, उसके आगे 2 डिजिट है इसलिए 20। तो इसको हम देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जो 9 है उसे हम बोलेंगे वंस, 2 है उसे बोलेंगे हम टेंस, एंड 700 है यहाँ पे इसको बोलेंगे हम 100। बच्चों को इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म का सिखा सकते हैं। उसके बाद एक स्क्वायर में जिस तरह से बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है उस तरह भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे होता है एच मतलब 100, टी मतलब टेंस, ओ मतलब वंस। तो इसमें ये नंबर कैसे लिखेंगे, एच मतलब यहाँ पे 7 है, टेंस 2 है और 9 में 9 है। उसके बाद वंस में कौन कौन से नंबर आते हैं, टेंस में कौन कौन से नंबर आते हैं और 100 में कौन कौन से नंबर आते हैं ये भी हम देख लेंगे। पहले वंस में नंबर आएंगे 0 to 9, मतलब 1, 2, 3, 4, 9 तक। उसके बाद टेंस में कौन से नंबर आएंगे, 10, 20, 30, इस तरह से सारे नंबर आएंगे। उसके बाद 100, 100 में 100, 200, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर आएंगे, टेंस में 2 डिजिट के नंबर आएंगे और वंस में सिर्फ 1 डिजिट के ही नंबर आएंगे। इसके लिए हमें मैथ का मॉडल बनाया जो है मैंने वो देखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म का वर्किंग मॉडल, इसे हम घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें है वंस, टेंस एंड 100। वंस में आते हैं 0 to 9 तक के नंबर्स, टेंस में आते हैं 10 to 90 तक के नंबर्स और 100 में आते हैं 100 to 900 तक के नंबर्स। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। जैसे कि यहाँ पे है 5757, राइट साइड से हम देखेंगे 7 नंबर, 7 वंस, 5 टेंस, 50। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 57 को 50 प्लस वंस में 7। उसके बाद और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, 98, 8 वंस, 9 टेंस, इसे कैसे लिखेंगे हम, 9890 प्लस 8। उसके बाद हम 3 डिजिट के कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर है 901 12, तो यहाँ पे है 2
टू आएगा यहाँ पे, वन वन टेंस, और उसके बाद 900। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 900 प्लस 10 प्लस 2, और एक नंबर हम देख लेंगे यहाँ पे 435, 5 यहाँ पे 5, 3 3 टेंस, उसके बाद 400। तो उसका आएगा 400 प्लस 30 प्लस 5। इस तरह से वर्किंग मॉडल के थ्रू भी हम एक्सपांडेड फॉर्म सीख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ वर्कशीट देखेंगे जिससे एक्सपांडेड फॉर्म में आसानी होगी। यह है वर्कशीट, इससे हम एक्सपांडेड फॉर्म की प्रैक्टिस ले सकते हैं। पहला है राइट द करेक्ट नंबर, यहाँ पे है 4 10 4 1s, इसमें आंसर लिखना है 4 10s, मतलब यहाँ पे आएगा 4 1s 4, आंसर है 44। 6 10 3 1s, तो यहाँ पे आएगा 6 3 1s, आंसर इज 63। देन 900, 4 10s and 2 1s, 900 का आएगा 9, 4 10s का 4, और यहाँ पे 2, आंसर इज 942। उसके बाद और एक वर्कशीट के जरिए हम ले सकते हैं, गिव एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर 122, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे लिखना है आंसर 100 प्लस आंसर 10s प्लस डैश प्लस 1s, तो यहाँ पे उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखा हुआ है 100 प्लस 20 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 100 पे है 1, 2 10s और 2 1s। उसके बाद राइट ईच नंबर ऑफ फॉलोइंग इन द एक्सपांडेड फॉर्म, इन नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। 525 को हम लिखेंगे 500, 2 यानी 20 प्लस 5, ये वर्किंग मॉडल के थ्रू ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद इन नंबर का भी बच्चों को वर्किंग मॉडल के थ्रू आंसर हम लिखने को बोल सकते हैं। इस तरह से हम एक्सपांडेड फॉर्म बच्चों को सिखा सकते हैं वर्कशीट के थ्रू, या फिर इस तरह से वर्किंग मॉडल के थ्रू हम उन्हें सिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।